नमस्कार, शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे के नंबर वन न्यूज बुलेटिन के। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और हम 30, 60 और 90 सेकंड में देश और विदेश की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं। और पहली बड़ी खबर आपको बताएं, सातवें चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कोलकाता में पीएम मोदी ने देर शाम रोड शो किया। पीएम के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। ममता के गढ़ बंगाल को ढहाने के लिए खुद पीएम मोदी चुनावी मैदान में लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। सातवें चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में भव्य रोड शो किया। पीएम ने उत्तर कोलकाता की श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के लिए रोड शो किया। पीएम मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। सड़क के दोनों ओर युवा बुजुर्ग महिलाओं के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पीएम के साथ एक तस्वीर लेने के लिए लोग व्याकुल थे। सड़क के दोनों ओर इमारतों पर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन किया। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाग बाजार के प्रसिद्ध माँ शारदा के अंतिम निवास वाले घर मायरबाड़ी में पूजा अर्चना की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के बहाने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि संविधान और तानाशाही चिल्लाने वालों को बंगाल में आकर हालात देखने चाहिए, यहां पर बोलती बंद हो जाएगी। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है। जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं, जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। झारखंड के दुमका में पीएम मोदी ने रविवार की छुट्टी को ईसाइयों से प्रेरित बताया। उन्होंने झारखंड सरकार पर तंज करते हुए कहा कि एक जिले में रविवार की छुट्टी बंद करके शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से एक रविवार परंपरा शुरू हुई। अब यहां अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताने लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा। टीवी9 भारतवर्ष को दिए खास इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 400 पार करेगी। अमित शाह ने कहा कि पांचवें चरण में ही हम 310 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सर, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आपकी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है वो लक्ष्य है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 6ठे चरण का आकलन मैं ढंग से हमारी कैडर से पूछ नहीं पाया हूँ, परंतु 5 चरण में हम सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 चरण में 310 को पार कर चुके हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि अंतिम चरण इधर उधर होता है तो बाकी के बिगड़ ना जाए, वो स्टेज निकल चुका है। अब कुछ बिगड़ना करना है नहीं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और 6ठा और 7वां मिलाकर हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं ये 400 पार, ऐसा क्या था जो 360 में नहीं कर पाए जो 400 में करना चाहते? क्या करना चाहते हैं उसका सवाल नहीं है। कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अपना लक्ष्य नीचा रखेगा या ऊपर रखेगा? तो 370 तो हमें जनता ने दे ही दिए थे, इसलिए 400 ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो अभी 100 क्रॉस नहीं कर पाए, इनकी समझ के परे है। आपको लग रहा है इसमें उलझिए मत। आपको लग रहा है कि वो 100 भी पार नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी की जो स्थिति है तो वही है।